اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا جزل اللهم محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الحليم الكريم। अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हम सब लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज दिन है जुम्मे का, टाइम हो रहा है 1 अगस्त 2 बज गया। मैं अभी जुम्मा पढ़ के स्कूल से जैसे ही आया, मैं स्कूल के कपड़े पहने चले हैं, चप्पल और बदल ली थी, स्कूल से मैं जैसे ही आया फौरन मैं चला गया जुम्मा पढ़ने। और आप लोगों को कैमरा क्वालिटी में डिफरेंस पता लग रहा होगा, तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जो खुशखबरी ये है कि आज से मैं व्लॉग बनाया करूँगा अपने iPhone 13 Pro पे, पहले दूसरे फ़ोन पर बनाया करूँगा, बट मोस्टली ब्लॉग में ट्राई करूँगा कि मैं बनाऊँ इस फ़ोन से, जो है iPhone 13 Pro, क्योंकि मेरी मम्मा का फ़ोन है और कि मोस्टली हम मैंने लिया है उसके, मतलब मम्मा ने लिया है मेरी व्लॉगिंग के लिए। तो ज़रा देख लो, अब घर वाले थोड़ी बहुत इज्जत भी दे देते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाने हैं उखाड़ा, जो है यहाँ से काफ़ी दूर, क्योंकि हम जाने लगे हैं शादी पर, आज है बारात, मैंने भी तैयार चार होना है, पेंट शर्ट पहनी है और ऊपर वेस्टकोट भी। तो चलो आप लोग देखना, बहुत मज़ा आएगा इस ब्लॉग में, तो मेरे साथ जुड़े रही है। तो चलो अब ज़रा थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर कपड़े भी बदलने हैं। तो यार अभी सीन ये है कि हम लोगों ने एक रख लिया है ड्राइवर, मतलब गाड़ी हमारी होगी पर ड्राइवर आएगा क्योंकि लिए, मतलब रात का टाइम वापसी आना है, तो जस्ट फॉर द सेफ साइड हम रख लिया ड्राइवर, ताकि वो हमें ले जाए और आ जाए, गाड़ी हमारी होगी। पर अभी देखो सारी साफ़ सुथरी चीज़ों का वो है, ये कोट है जो मैंने पहना नहीं, टाई उसके साथ पहनी है, कोट सिर्फ वैसे जस्ट इन केस लेके जा रहे हैं, और ये वेस्टकोट मैंने पहना है, ये शर्ट ये ब्लू सी है, लाइक आप लोग उसका एग्जैक्ट कलर नहीं दिख रहा, बट थोड़ी ये ब्लू है जितनी इससे दिख रही है ना, ग्रे ब्लू, और ये नीचे इसकी पैंट। चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, टाइम बहुत कम है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नहा धो के तैयार शेयर होके। सो यारा जी, नाउ वी आर रेडी। ये देख लो यार, मैंने टाई वगैरह लगा लिए, ये नीचे पहन लिए, वेस्टकोट है, आज मैंने कोट नहीं पहना क्योंकि गर्मी आ चुकी है, मैंने कोट भी पड़ा है इसका, सेम ये 3 पीस था, तो मैंने आज इसे 2 पीस बना लिया। घड़ी वगैरह पहन लिया, ये देखिए देखो, ये पैंट पहन ली, ये जूते पहन लिए। सो मतलब आई गेस मैं सही लग रहा हूँ, बट अगर सही ना लग रहा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें मैं जरा थोड़ा मोटा मोटा लग रहा हूँ, तो आई होप ना लग रहा हूँ, क्योंकि अगर अच्छे से मोटा ना लग रहा हूँ, अगर मोटा लग रहा हूँ तो मैं फोटोज में अच्छा नहीं आएगा। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट फिर भी मेरी बात के सेंस है। हम 10 मिनट तक निकलने लगे हैं और भी एक बड़ा मसला हो चुका है गाइस, जो मसला है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और व्लॉग्स डालने की मोटिवेशन मिले मुझे, तो सब्सक्राइब करो। तो पहले हम गए दूल्हे के घर ताकि हम भी जा सके बारात की गाड़ियों के साथ, क्योंकि हम लड़के वालों की तरफ से थे, तो पहले हम उनके घर गए जहाँ बाजे वगैरह बज रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन धूप गई और बारिश और ओले पड़ने लगे, और देखो प्लांट्स कितने प्यारे आ रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली। देन सारी गाड़ियां हो रही थी तैयार टू गेट आउट ऑफ द सोसाइटी, तो ये देखो हम भी बारात की गाड़ियों में खड़े हुए हैं। देन रोड ब्लॉक की वजह से हमें लग गए पहुंचने में 4 घंटे, बट हम सारे फिर पहुंच गए और यहाँ हो रहा था फिर वो बाजे वगैरह। देन शुरू होने लगा था मेन थिंग, जो कि है निकाह। वो निकाह के पेपर्स लाए और दूल्हा साइन कर रहा था, अंकल उन्हें इंडिकेट कर रहे थे कैसे करना है, और देन देन मेरे कानों में आवाज़ गूंजी, जो है रोटी खुल गई रोटी।
तो फिर हमने खाया बहुत ज्यादा खाना। एंड फाइनली हुई दुल्हन की एंट्री। यार आज है एक्चुअली अगला दिन, कल रात को मैं वापस आया तो ऑलमोस्ट 3:45 बजे, तो मैं फौरन सो गया आउटर रिकॉर्ड करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो आज का व्लॉग मैं अभी एंड करना चाहूंगा। अगर आप लोग आज के व्लॉग पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, अब तो नया आईफोन भी ले लिया, अब तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोग सबने अगले व्लॉग में, वैसे कैसे लगा कमेंट में बताना। अल्लाह हाफिज़। तो यार ये है मेरी थोड़ी बहुत फोटोज जो मैंने ली थी, मिरर सेल्फीज वगैरह, और मतलब एक दो ही हैं, बट आप लोग बताओगे मैं कैसा लग रहा था कल, मेरा आउटफिट को रेट करो और बाय।